हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नो फायर कुकिंग रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैंने यहाँ पर 3 बड़ी साइज़ की ब्रेड ली है और यहाँ पर 10-10 रुपये वाले 4 ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं। फ़िलहाल हम 3 ही पैकेट यूज़ करेंगे और एक मैंने एक्स्ट्रा में लिया है। यहाँ पर लिए मैंने 2 बॉल्स। सबसे पहले हम इन बिस्किट्स को बाहर निकाल लेंगे। हम यहाँ पर 3 पैकेट ओपन करेंगे। ये देखिए, तीनों बिस्किट्स के पैकेट मैंने खोल लिए हैं और एक बिस्किट का पैकेट हम साइड में रख देंगे। इसे हम ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर बिस्किट और क्रीम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। उसके लिए हमें इस तरह से बिस्किट को ओपन करना है और एक नाइफ की हेल्प से क्रीम और बिस्किट दोनों को सेपरेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। हल्के हाथ से आप करेंगे, इजीली निकल जाएगी हमारी क्रीम। बस इसी तरह से हमें सारे बिस्किट से क्रीम को अलग कर लेना है। ये रेसिपी इतनी इजी है कि आप अपने बच्चों के स्कूल में नो फायर कुकिंग कंपटीशन में भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी तरह की फायर का यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट को क्रीम से अलग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक और बोल लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। अब 2 चम्मच चीनी के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 4 टेबल स्पून पानी। आपको 4 से 5 टेबल स्पून ही इसमें पानी डालना है। मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून पानी डाला है। ये देखिए, 4 चम्मच पानी इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि शुगर इतनी ईजिली मेल्ट नहीं होती जब तक हम हमारा दूसरा काम कर लेंगे। अब हम इन दोनों का एक स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। अब सबसे पहले हम इन बिस्किट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और जो भी अच्छे बिस्किट्स के टुकड़े रहेंगे उसे हम अलग रख देंगे, बाद में डेकोरेशन में काम आएंगे। इस तरह से हमें हमारे बिस्किट्स का अच्छे से कुचुंबर बना लेना है, मतलब अच्छे से चूरा कर लेना है इसे। ये देखिए, सारे बिस्किट्स के टुकड़ों को हम इस तरह से एक बॉल में डाल देंगे और जो अच्छे अच्छे पीसेस थे वो मैंने साइड में रख लिए हैं। ये हमारे बाद में डेकोरेशन में काम आएंगे। अब शुगर को भी हमें बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते रहना है। अब हमें बिस्किट का एक अच्छा सा पेस्ट रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिया है। ये बॉईल किया हुआ दूध है। ये देखिए, ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और भी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। यहाँ पर बिस्किट की क्रीम को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बहुत ईजीली मिक्स नहीं होती ये। इसमें दूध डाल के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया है, जब तक हम इस बिस्किट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये तो बहुत ही इजीली अच्छे से मिक्स हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करते रहेंगे। इस पूरे मिक्सर में हमें लगभग 1 कप के करीब दूध लग जाएगा, क्रीम और बिस्किट दोनों में मिलाकर। क्रीम को हम विस्कर की हेल्प से इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से घुमाते हुए, थोड़ा प्रेशर देते हुए। थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें क्रीम को मिक्स करते हुए और फाइनली हमारी क्रीम जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, जिस तरह से मेरी हुई है। अब विस्कर की हेल्प से हम इस बैटर को भी अच्छा स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी तीनों चीज़ें बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे ब्रेड। अब हमें ब्रेड की एजेस को अलग कर लेना है। यहाँ पर मैंने ब्रेड बड़ी साइज़ की ली है। आपको भी बड़ी साइज़ की ब्रेड ही लेनी है। अगर मीडियम साइज़ की ब्रेड लेते हैं तो उससे हमारा केक बहुत ही छोटा सा बनेगा। आप चाहे तो छोटी ब्रेड भी ले सकते हैं, बस उससे आपका केक बहुत छोटा बनेगा। बस हम इस तरह से ब्रेड की एजेस को नाइफ की हेल्प से बहुत ही केयरफुली अलग कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से बहुत ही इजीली इसकी एजेस अलग हो जाती है नाइफ से। और इन एजेस को हम फेंकेंगे नहीं, ये एजेस हमारे बाद में खाने में हम काम में ले सकते हैं। आप इसे चाय कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी, क्रिस्पी हो जाएगी। सूख जाने की वजह से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। बस इसी तरह से हम सारी ब्रेड के एजेस को अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 की जगह 4 ब्रेड ले ली है, क्योंकि मुझे 3 ब्रेड का केक थोड़ा छोटा लग रहा था, बेस थोड़ा कम लग रहा था, कम स्पॉन्जी लग रहा था, इसलिए। आप भी यहाँ पर 4 ब्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने सारी ब्रेड के एजेस को अलग कर लिया है।
अब मैंने यहाँ पर प्लेट में एक ब्रेड रखा है, उसके ऊपर हम डालेंगे ये शुगर सिरप। शक्कर का पानी बहुत ही अच्छे से हमें चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है ताकि हमारा केक जो है वो ड्राई ना हो। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ये सारा शुगर सिरप हमारे इस ब्रेड में काम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, बिल्कुल फिक्स है। देखिए शुगर सिरप अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये बिस्किट के अंदर वाली क्रीम। ये देखिए इस तरह से अच्छे से स्पून की हेल्प से फैला लेना है, इसे बहुत ही अच्छे से इसे इस तरह से फैला लें। उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे बिस्किट का ये स्मूथ सा बैटर। अगर बीच में अगर ये थोड़ा गाढ़ा पड़ जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद इसे अप्लाई करें आपके केक के ऊपर। ये देखिए इसे भी हमें बहुत अच्छी तरह से भर भर के लगा लेना है क्योंकि ये बहुत सारा बैटर हो गया है। चार ब्रेड के लिए 3 बिस्किट का पैकेट इनफ है, जिसके अंदर एक बिस्किट के पैकेट के अंदर 5 बिस्किट्स थे, 5 बिस्किट्स का सेट था। टोटल 15 बिस्किट 4 ब्रेड केक के लिए बिल्कुल इनफ है। अब इस प्रोसेस को हमें 4 बार रिपीट करना है। वापस मैंने इसके ऊपर एक ब्रेड रख दी है, उसके ऊपर वापस मैंने शुगर सिरप अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर क्रीम, और देन इसके ऊपर फिर से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये बिस्किट का पेस्ट या बैटर। अब थर्ड लेयर बना रहे हैं हम लोग। अब इसके ऊपर फिर से हमें वही शुगर सिरप, क्रीम, देन बिस्किट का बैटर। ये देखिए इस तरह से हमें बहुत अच्छे से इसके ऊपर फिलिंग्स को डाल देना है और अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेना है। अब देन लास्ट लेयर, ये हमारे केक की लास्ट लेयर है। ये चौथी ब्रेड मैंने इसके ऊपर रखी है। आप चाहें जितना इसे मोटा बना सकते हैं लेकिन ये इनफ है। ये देखिए हमारी जो अंदर वाली जो क्रीम थी वो क्रीम भी सारी फिनिश हो गई है चौथे ब्रेड के ऊपर। मीन्स ये परफेक्ट रेशियो है 4 बड़ी साइज़ की ब्रेड के लिए। 15 ओरियो बिस्किट, 10 रुपये वाले 3 बिस्किट के पैकेट से ही हमारे इतना प्यारा सा केक बनकर रेडी हो जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। ये देखिए अब जो हमारा मिक्सर बचा है उससे बहुत अच्छी तरह से केक के चारों तरफ स्प्रेड कर लेना है। जितना भी बचा हुआ हमें सारे यहाँ पर यूज़ कर लेना है, अब हमें इसे बचाना नहीं है क्योंकि अभी हमारी फाइनल लेयर है। अभी फ़िलहाल हम इसे स्पून की हेल्प से कर रहे हैं। देखिए हमारा सारा मिक्सचर ख़त्म हो चुका है। ये देखिए मैंने स्पून की हेल्प से इस बैटर को बहुत अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर लगा लिया है। अब केक के साइज़ में जो थोड़ा मेसी हो गया है उसे आप टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लें। और अब हम एक स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की हेल्प से हम इसे एक फ़ाइनल टच देंगे ताकि हमारा केक जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन लगे। आप देख सकते हैं इसका बेस कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 ब्रेड की थी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट लगे। ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर ली है ये 4 चोको रोल्स। ये 5-5 रुपीज़ की 4 चोको रोल्स ली है मैंने। आप जो चाहे डेकोरेशन के लिए वो आइटम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चोको रोल्स ली है। इस तरह से चॉकलेट रिफिल्स भी आती है लेकिन मैंने यहाँ पर चोको रोल्स लिए जिसके अंदर ऑलरेडी चॉकलेट फील है। ये देखिए चारों चोको रोल्स हम इस तरह से साइड में थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगाएंगे। ये चोको रोल्स मेरे केक के साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है इसलिए हम इसे थोड़ा सा साइड से तोड़ लेंगे या काट देंगे, कटिंग कर लेंगे इसकी। अब सारी चोको रोल्स लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हल्के हाथ से ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। वाओ, आप देख सकते हैं हमारा केक अभी से कितना प्यारा लग रहा है। और अब ये जो हमने बिस्किट्स तोड़कर साइड में अच्छे अच्छे से बचाए थे वो मैंने डेकोरेशन के लिए रखे थे। आप जो मर्ज़ी चाहे अपने हिसाब से इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं। ये देखिए मैं कुछ इस तरह से डेकोरेशन इसमें कर रही हूँ बिस्किट से। ये देखिए आप चाहें तो इसे फाइनल छोड़ सकते हैं कि बच्चे हुए जो बिस्किट्स है वो आप खा लें क्योंकि आपने इतनी मेहनत जो की है केक बनाने के लिए। ये देखिए आप चाहें तो इस केक को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और भी करने वाली हूँ। मेरे यहाँ पर इस तरह के डेकोरेटिव पर्ल्स पड़े हुए हैं, केक डेकोरेशन के आइटम, बस उसी से मैं इस पर माँ लिख दूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो चाहें वो इस पर कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए।
अब इतनी मेहनत की है तो माँ के लिए थोड़ी सी मेहनत और सही, क्योंकि हम यहाँ पर मदर्स डे स्पेशल केक बना रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इजी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। आप इस मदर्स डे पर मेरी ये ओरियो ब्रेड केक की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपकी मम्मा को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका ये केक बनकर रेडी हो जाएगा। अब इतनी प्यारी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।